पास आकर झुके, इनकी औलाद को मेरे कॉलेजों में भी पढ़ाया मैं, उसके बाद भी ये बेईमान निकले। जानते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं? अरे आज खैर, उनका अमल उनके साथ, हमारा अमल हमारे साथ। लेकिन आप बताओ कि आज मजलिस काम कर रही है तो बड़ी बड़ी बातें और फिर बोलते हैं आलेर का इनकाउंटर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे मुझे छेड़ो मत, बड़े इनके बाप बोले थे अयोध्या जाऊंगा, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा बोले थे। यहां मम्मी साहब भी बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत हूं तो बोलो। मम्मी साहब को मालूम होगा कि जब एमएलए बने थे, जीते थे, तो ताज का नाका सुल्तानशाही मुगलपुरा पुलिस स्टेशन, वो खयानत जो अयोध्या जाने की बात कर रही थी, आज आलेर की बात कर रही है, उनका दफ्तर का था, वाल्टा पे था ना मम्मी साहब, वाल्टा पे था। वाल्टा से ताज का नाका कितनी दूर है? कितने? 5 मिनट। ताज के नाके में क्या हुआ था मालूम आपको? इन्हों जीतने के बाद नौजवानों को नहीं मालूम, मम्मी कैसा गोलियां मारे थे। जब तुम्हारा बाप वाल्टा से निकल के ताज के नाके को गया था, कौन गए? उस वक्त भी जाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी था, जाकर वहां पे खड़ा था। एमएलए भी नहीं था मैं, एमएलए भी नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते मेरे पीछे आए, भागकर चार मीनार के पास खड़े रहकर, माइक नहीं था, कुछ नहीं था, मैं एमएलए भी नहीं था। उस वक्त बहुत तेजी थी, ठहर के तकरीर करने लगा, हजारों का मजमा चार मीनार के पास जमा हो गया। मैंने कहा अयोध्या जाने वाले आज वाल्टा से निकल के ताज के नाके को नहीं जा सके, ये आए तो इनका जूतों चप्पलों से इस्तकबाल होना इनकी आदत थी। अकबर ओवैसी जहां गया पीछे आते थे। चार मीनार पे आए, अवाम जूते और चप्पलों की ऐसी बारिश करी कि सिर्फ चार मीनार के पास जूते और चप्पल। गलत है बोलो मम्मी साहब, सही है तो बताओ। अरे आज बड़ी बड़ी दींगे, बड़ी बड़ी बातें, अरे अपनी हैसियत देखो पहले, उसके बाद बात करो। बात भी उसी को अच्छी दिखती है जिसके पास कोई जज्बा हो, दियानत हो, ईमानदारी। सिर्फ झूठ झूठ झूठ, इनका वजूद झूठ पे है, इनकी पैदाइश